सारे का व्यूवर्स, होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं पोटैटो रिंग्स या आलू के रिंग्स। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के, और मैंने आलूओं को दोनों तरफ से काट के इतने इतने थिकनेस के क्यूब्स बना लिए हैं, और क्यूब्स नहीं बल्कि पीसेस मैंने बना लिए हैं या स्लाइसेस बना लिए हैं। इतनी थिकनेस मैंने इसकी रखी है, ये आपको नज़र आ रही होगी, इतनी थिकनेस आपने स्लाइसेस की रखनी है। और अगर जो थोड़े से मोटे हैं उनको आप थोड़ा सा थिन कर लेंगे, जैसे हम गोल आलू काटते हैं, आलू के पकोड़े अगर बनाने होते हैं हमने गोल आलू, उस तरीके से हम जो है वो काट के रख लेंगे। और आलूओं को दोनों साइड से हेड और टेल से आपने काटना है, उसके बाद दरमियाने वाला पार्ट जो उसका बचता है उसके आपने गोल गोल स्लाइसेस बना लेने हैं। अब ये स्लाइसेस बनाने के बाद मैं चकोर की शेप में दरमियान से इन आलूओं को काटूंगी, आलूओं के स्लाइसेस को। ये दूसरी लाइन डाल दी मैंने, ये तीसरी, तीसरी डल गई और ये चौथी डल गई। तो ये क्यूब की फॉर्म में दरमियान से आलू का पार्ट जो है ये अलहदा हो जाएगा, और इस तरीके से आलू के स्लाइस में सुराख हो जाएगा लाइक दिस। इस तरह से ये आलू का रिंग की फॉर्म आ जाएगी। इस तरीके से हमने सारे के सारे आलूओं के स्लाइसेस में हमने चौकोर बनाना है, और उस चौकोर को बना के हमने निकालते जाना है, और इस तरह से आलूओं के जो रिंग्स हैं वो बन जाएंगे हमारे पास। सारे स्लाइसेस में इसी तरह से मैंने होल करते जाना है। मैंने बेसन लिया है तकरीबन 1/2 कप, और उसमें मैंने मैदा डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ड्राई बेजल तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, ड्राई बेजल डाल दिया मैंने इसमें, और ज़ीरा डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून चला जाएगा। ज़ीरा डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी नमक हसबे ज़ायका, वाइट नमक आप ले लेंगे वो हसबे ज़ायका डाल देंगे, और इसके साथ इसमें आप डालेंगे ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने ली थी काली मिर्च वो इसमें डालेंगे, और इसके साथ मैं डाल दूंगी पेपरिका पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून लिया है। पेपरिका पाउडर और ब्लैक पेपर का आपने इस तरह से कम्बिनेशन बनाना है कि जो इसकी मिर्चें हैं वो बैलेंस हो जाएं। और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर, आप ग्रेट किया हुआ लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए, मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, और इसका जितनी कंसिस्टेंसी आपको रिक्वायर्ड है उसका आप इसका मिक्सचर बना लेंगे। अच्छा, इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके साथ मैं एक अंडा ले लूँगी फेंटा हुआ, और उसके साथ ब्रेड क्रम्स ले लूँगी तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। और मैंने सिंपली ये करना है कि सीक्वेंस आप अपनी भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने इसको आलू के जो रिंग्स हैं इसको मैंने बैटर में डिप किया है, उसके बाद मैं फेंटे हुए अंडे में इसको डिप कर रही हूँ, और एट द एंड मैं इसको अच्छी तरह से कोट कर दूंगी ब्रेड क्रम्स में प्रॉपर तरीके से। इसी तरह से मैं सारे रिंग्स को जो है कोटिंग करके रख लूँगी। रिंग्स को फ्राई करूँगी गोल्डन होने तक, और ये सारे आलू के रिंग्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो मैंने फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम में। आंच तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, हल्की आंच पर ये बनेगा ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएं। साइड्स इसकी मैं पलट दूंगी। और बस ये बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। कलर जो है इसका अच्छा सा गोल्डन जो है वो आ गया। अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। अब मैं आपसे सब्सक्रिप्शंस का कहूंगी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें घर की कुकड़ी को, और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा।